हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, दुनिया में कई सारा ऐसा जगह है जिन सब के बारे में आज हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसा ही डरावना और अनोखा जगह के बारे में जिन सब की नाम आज इतिहास के पन्नों पे ही सिर्फ तब्दील होके रह गया है। उनमें से ही एक जगह का नाम है भानगढ़। दोस्तों, भानगढ़ की कहानी काफी दिलचस्प और मनोरंजन है। राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ किला स्थित है, जिसे भारत की सबसे डरावनी जगह माना जाता है। बताया जाता है कि यह किला श्रापित है। शाम होने के बाद इस किले के अंदर लोगों को जाने पर रोक है। सरकार का निर्देश है कि इस किले में या इसके आसपास शाम की 6 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा। बताया जाता है कि भानगढ़ में एक तांत्रिक रहता था जो यहाँ की राजकुमारी रत्नावती से शादी करना चाहा था, और वो इसी कारण रत्नावती को जादू टोना के जरिए हासिल करना चाहा था। एक दिन वो रत्नावती को बाजार में इतर खरीदते हुए देखा था, और उसी समय वो उस इतर में जादू कर दिया था। और इस जादू का खासियत यह था कि इस इतर को जो भी इस्तेमाल करेगा वही इस तांत्रिक के भस्म में आ जाएगा। और ये बात रत्नावती की दासी को पता था। जब दासी ये बात रत्नावती को बताया तो रत्नावती तुरंत ही इस शीशे के डिब्बे को एक पत्थर के ऊपर फेंक दिया, और जिसके कारण शीशे की बोतल टूट गया था और पूरा इतर उस पत्थर में लग गया था, और जिसके लिए ये पत्थर तांत्रिक की भस्म में आ गया था, और इसीलिए ये पत्थर उस तांत्रिक के ऊपर जाके गिर पड़ा, और उसी समय उसी जगह में वो तांत्रिक का मौत हो गया था। और मरने से पहले वो तांत्रिक रत्नावती को श्राप दिया था कि बहुत जल्दी ही रत्नावती मर जाए और उसका राज्य भर उसके हाथ से चला जाए। और कुछ दिन बाद देखा गया बिल्कुल वैसा ही हुआ। किसी एक युद्ध के द्वारा रत्नावती का मौत हो गया था, और तब से उस जगह में अभी तक किसी का रोने धोने का आवाज सुनाई जाता है।